तो जान रहेगी ना, तो मैं कई बार आऊँगा यहाँ पे घूमने, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर कोई मतलब है नहीं। रिवर का पानी देख रहे हैं पूरी तरीके से दोस्तों वाइट है, और दोस्तों ये रिवर तो फाइनली दोस्तों ये रास्ता जाता है बैट गुफा पे, मतलब बोलिए दोस्तों चमगादड़ों की गुफा में, जहाँ दोस्तों बहुत सारे मिलियन ऑफ मिलियन ऐसा दोस्तों इनका कहना है कि चमगादड़ रहते हैं। तो दोस्तों जब यहाँ तक मैं आ ही गया हूँ तो 500 मीटर का दोस्तों और डिस्टेंस है, तो दोस्तों मैं उस गुफा को भी देख लेता हूँ और उसका एंट्री फीस वगैरह भी कितना है वो मैं आपके जरिए बताता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं बैट केव पहुँच गया हूँ, और दोस्तों मैं चलता हूँ अंदर, और दोस्तों अंदर से देखते हैं क्या प्रोसेस है टिकट वगैरह का। फाइनली दोस्तों मैं केव के अंदर आ गया हूं, और दोस्तों चलते हैं एंट्रेंस की तरफ और देखते हैं दोस्तों केव के अंदर है क्या। आखिर 80 रुपये जगह नेपाली रुपये दोस्तों, जो कि ठीक ही है ना, तो ज़्यादा ना। तो दोस्तों जैसे आप गेट पे आएंगे आपको दोस्तों ये लैंप मिलेगा, ये लैंप पे दोस्तों ये कि आप अगर अंदर जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फाइनली दोस्तों ये रास्ता केव के साइड जाता है, तो दोस्तों हम चलते हैं केव के अंदर, देखते हैं दोस्तों आखिर है क्या इसके अंदर। 80 रुपये जो कि जगह है दोस्तों काफ़ी है मेरे लिए, और दोस्तों ये है केव का एंट्रेंस, और दोस्तों हम चलते हैं अंदर और अच्छे तरीके से दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं अंदर है क्या। तो ये लैंप लेना दोस्तों ज़रूरी है, क्योंकि अब अंदर काफ़ी अंधेरा है। तो ये दोस्तों सकरा सा गुफा केव के अंदर जाएगा, अब दोस्तों हम चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं दोस्तों अंदर में आखिर है क्या, जो कि दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। तो थोड़ा सा यहाँ दोस्तों आपको सावधानी की ज़रूरत है, आराम से सर झुका के दोस्तों बैठ के अंदर जाइए, नहीं तो सर में चोट लग जाएगी, और स्मेल दोस्तों बहुत ही गंदा सा आ रहा है। खैर कोई बात नहीं, अब स्मेल चाहे जैसा है दोस्तों, अब आ ही गए हैं तो पूरा घूम के ही चलेंगे। ये है दोस्तों आपका सारा केव, जो कि अभी काफ़ी लोग इसके अंदर हैं, और काफ़ी दोस्तों आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, वजह यह है कि काफ़ी स्टूडेंट वगैरह हैं जो कि अपना एंजॉय कर रहे हैं, और हम भी दोस्तों उनके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और एक वो गुफा दोस्तों ये रहा चारों तरफ से, और ये दोस्तों देख सकते हैं ऊपर चमगादड़ आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे दोस्तों चमगादड़ यहाँ पे हैं, ये देख रहे हैं चारों तरफ दोस्तों चमगादड़ ही चमगादड़ है। बस दोस्तों आप थोड़ा सा यहाँ से सावधानी से जाएं तो अच्छा है। और दोस्तों ये आपका बैट केव है, और चारों तरफ से दोस्तों पानियाँ वगैरह टपक रहे हैं, और फिलहाल ये लैंप ये खाने में ही दोस्तों आपको फायदा है, इसमें दोस्तों बहुत गंदी आ रही है, क्योंकि दोस्तों अब ये जब गुफा ही है उसका चमगादड़ों का दोस्तों, तो इसमें आनी ही है गंदी वाली। और ये दोस्तों दिख रहा होगा शायद दोस्तों आपको ऊपर चारों तरफ, ये है पूरा दोस्तों चमगादड़, तो शायद दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये पूरे दोस्तों चिपके हुए हैं चारों तरफ। ये अभी दोस्तों मेरी बैटरी भी जवाब देने वाली है, लेकिन तो भी मैं इस नज़ारे को दोस्तों शूट ही कर लूँगा। और दोस्तों वो दिख रहा होगा वो सामने वो रास्ता है बाहर निकलने का, और दोस्तों हम चलते हैं बाहर की तरफ
जो कि काफ़ी डेंजर रास्ता है। ये रास्ता दोस्तों देख सकते हैं, इसी रास्ते से दोस्तों हमें होके जाना है और हम चलते हैं इन केव से। तो सावधानी घटी दुर्घटना घटी, तो दोस्तों इसी है, पूरे सावधानी के साथ ही इस केव का आनंद उठाइए। एक बार दोस्तों फिर से देखिए, सभी सो रहे हैं, मैं डिस्टर्ब ना कर दूँ किसी को, नहीं तो वो हमें डिस्टर्ब कर देंगे, इसलिए थोड़ा सा सावधानी से बचते हुए हम दोस्तों इस गुफा से निकलते हैं। ये रास्ता दोस्तों कहाँ जाता है पता नहीं, थोड़ा अंदर से ही कि हम देख ही लेते हैं, तो खैर जाने देते हैं, पता नहीं कहाँ जाएगा, भटक गया तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाएगी। हम चलते हैं दोस्तों बाहर की तरफ, और इधर दोस्तों ये गुफा है पूरा चमगादड़ों का। मैं दोस्तों यहाँ पर आने वाला नहीं था, लेकिन दोस्तों मैं आया है यहाँ पे, शायद कुछ अच्छा ही हुआ। और दोस्तों ये बहुत ही स्लीपी रास्ता है, और दोस्तों पूरा चारों तरफ इसे यहाँ पे वाटर ड्राप गिरे हुए हैं, इस वजह से दोस्तों ये जगह काफ़ी स्लिप हो रहा है। और आगे दोस्तों देख रहे होंगे काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो हम चलते हैं दोस्तों बच बच आके, किसी तरह से गिरना नहीं है, बाकी वीडियो बने चाहे ना बने, क्योंकि अगर दोस्तों जान रहेगी ना तो मैं कई बार आऊँगा यहाँ पे घूमने, अगर जान ही नहीं रहेगी तो फिर कोई मतलब है नहीं। तो देख सकते हैं फाइनली दोस्तों जो ये केव का निकलने का रास्ता था, दोस्तों ये रास्ता जो देख रहे हैं यहाँ से दोस्तों सब बाहर आ रहे हैं, वाकई दोस्तों बहुत ही डेंजर रास्ता है यार, मेरी तो जान निकल दी, मुश्किल से इधर से निकल पाया हूँ। वो दोस्तों मैं कैसे निकल जाऊँ वो तो मेरा दिल ही जानता है, लेकिन दोस्तों मैं किसी तरह से उसके अंदर से बाहर आ गया। अगर दोस्तों आप आते हैं बैड केव के लिए तो एक बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों आप ये जो रास्ता दोस्तों बाहर निकलने का है वो बहुत सकरा है दोस्तों, अगर आप मोटे हों तो दोस्तों इधर ना ही आए तो बेटर है। बाकी वैसे केव तो दोस्तों काफ़ी सुंदर था जो कि दोस्तों मैंने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब दोस्तों हम चलते हैं फिलहाल बाहर केव से, वाकई दोस्तों 80 रुपये वर्थ था, लेकिन निकलने में जो हालत ख़राब हुई दोस्तों वो याद रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों मैं अभी हूँ सेती रिवर पे, जो कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये दोस्तों इस रिवर का पानी देख रहे हैं पूरी तरीके से दोस्तों वाइट है, और दोस्तों ये रिवर जो है करीबन 70 से 80 मीटर दोस्तों नीचे है, ऐसा दोस्तों मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ वो जो रिवर वो इतना नीचे है, 70 से 80 मीटर के करीब दोस्तों नीचे होगा ये पूरा दोस्तों इधर पानी बह रहा है। और ये है दोस्तों आपका फाइनल वो जगह जो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाह रहा था। पानी की धारा देख रहे हैं दोस्तों काफ़ी तेज है, और देख रहे हैं कंटिन्यू दोस्तों ये बहता जा रहा है पानी, ये पूरी तरीके से दोस्तों ये वाइट पानी है। वाइट पानी क्यों है दोस्तों फिलहाल मुझे नहीं पता है, लेकिन दोस्तों ये काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये दोस्तों पानी कहाँ से आ रहा है इसके बारे में दोस्तों अगर मुझे कुछ पता चलता है तो दोस्तों मैं आपसे चल के बाहर बात करूँगा, सेती रिवर आखिर है क्या और दोस्तों इसकी खासियत क्या है। वैसे दोस्तों मैं आपको पहले ये रिवर दिखा देता हूँ और दोस्तों आपको साइड साइड से घुमा देता हूँ, ये ब्यूटीफुल वाटर। और दोस्तों ये है दिख रहा है पूरा यहाँ से चारों तरफ से, ये दोस्तों दिख रहा है ये आपका ब्यूटीफुल। और इधर दोस्तों ये बनाया गया है रेलिंग टाइप का जो कि दोस्तों आप करीब से पानी को देख सके, और इधर दोस्तों वो नेचुरल वाला वाटर है जो कि दोस्तों आप देख रहे हैं कितना डीप है, और दोस्तों नीचे पानी बह रहा है। तो दोस्तों आपको शायद दिख रहा होगा वो नीचे एकदम दोस्तों दिखिए करीबन 70-80 मीटर दोस्तों वो नीचे है, जो कि दोस्तों काफ़ी नीचे है। दोस्तों अगर यहाँ से आदमी गिरा तो काम तमाम, बचने का दोस्तों कोई चांस ही नहीं है। और कई जगह से दोस्तों यहाँ पानी का झरना गिर रहा है दोस्तों, वाकई काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। यहाँ पे दोस्तों आने का जो चार्ज उन्होंने किया है 60 नेपाली रुपीज़, तो अगर दोस्तों उसको कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में तो दोस्तों डिवाइड बाई 1.6 कर जाएंगे ना, तो शायद दोस्तों आपका आ जाएगा कि एक्चुअल में कितना रुपये लगा है। ज़्यादा बड़ा तो नहीं था सेती रिवर, छोटे में है,
दोस्तों ये नज़ारा दोस्तों आप वहाँ से भी देख सकते हैं इस रिवर का। और दोस्तों यहाँ पे आने पे आपको बस यही वाटर करीब से दिख सकता है, वो दोस्तों ब्रिज है। आप ब्रिज पे से भी चाहे देख सकते हैं, चाहे तो दोस्तों आप नीचे उतर के आके देख सकते हैं। 60 रुपये है दोस्तों, 40-45 रुपये इंडिया का आसपास पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा नहीं है, सस्ता ही है मेरे हिसाब से। अब जब दोस्तों आप सब कुछ घूम ही रहे हैं तो दोस्तों इसको घूमना बनता है, जो कि दोस्तों वाकई ब्यूटीफुल है। तो दोस्तों अब फाइनली हम चलते हैं बाहर, लास्ट